थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए हैं, यू नो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं और उनको देख के हमारी एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनको सबको हमने प्लान बताया और सबको अच्छा लग रहा है कि यार इंडिया से आए हैं और इंडिया से यूरोप और मिडिल ईस्ट कवर करने वाले और लगभग 4 से 5 महीने हम लोग कवर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्रीस। और जैसे आपको पता ही है कि अपनी एक इंटरनेशनल राइड चल रही है जिसमें 24 देश, 120 से 140 दिन और लगभग 25 से 30,000 किलोमीटर अपनी बाइक पे ट्रैवल करने वाला हूँ यूरोप और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज। और कल हम ग्रीस में आ गए थे और बहुत अमेजिंग सफर था ये। मेरा पहली बार था जब मैंने एक लैंड बॉर्डर एक कंट्री से दूसरी कंट्री को पार किया था। और मैं अगर नेपाल को हटा दूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि यार एक कंट्री से दूसरी कंट्री गया, वो भी मैं लैंड बॉर्डर के थ्रू। और कल हम इस होटल में आ गए थे, ये बहुत एक अच्छा होटल है। लगभग हमने इस होटल के 4,600 रुपये इनफैक्ट हमने पे करे थे इस होटल के। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, एक जगह का नाम है मिट्सोवो। मिट्सोवो जब मैं ऑनलाइन देख रहा था ना, काफ़ी अच्छी जगह की लोकेशंस दिख रही थी, थोड़ा बहुत माउंटेन एरिया दिख रहा है, पर मैं अभी सारी डिटेल्स आपको नहीं बता सकता। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अलग भी हो गया ना मिट्सोवो, तो आपको लगेगा पहले तो कुछ और बताया था और एंड में कुछ और हुआ, क्योंकि यार देखो ये भी मेरा पहली बार है, मुझे कुछ एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इन जगह के बारे में। जो भी मुझे ऑनलाइन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। बाकी अभी हमारा सारा सामान पैक हो चुका है, जो हमारे साथ सर है वो अपनी बाइक पे नीचे सामान लोड करने गए हैं। पीछे का व्यू कुछ ऐसा है, हम हैं अभी 4th फ्लोर पे। यहाँ यार ये डोर ये जाली लगी हुई है, खुल नहीं रही, नहीं तो आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ, नीचे बाइक खड़ी है। सो हमें ना रोज का ना कम से कम 1.25 घंटा लगता है ये करने में। अगर हमारे को सेफ पार्किंग मिल जाती है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम पैनियर्स वहीं छोड़ सकते हैं, टॉप बॉक्स अपना वहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे को यहाँ पर रोड पे पार्किंग मिली थी तो हमें रोज़ ऐसा सामान कैरी करना पड़ता है। दोनों का अपना अपना सामान है, फिर भी काफ़ी कॉमन सामान है जो हम दोनों ने अपने अपने लगेजेज में रखा हुआ है। कुछ सामान इसमें रख दिया है, कुछ सामान उसमें रख दिया है। और मुझे एक्चुअली लगा था शायद मैं अनकंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मुझे शायद 3 साल हो चुके हैं, शायद मैंने टैंक बैग यूज़ नहीं किया है और पैनियर से मेरे पहली बार है। बट मुझे अभी तक जो मैंने 600 किलोमीटर कल कवर किए ना, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है और बाइक चलाने में अभी तक ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक है। Then next country is Albania. Yes. So you go to the north. Yes. Albania, so, North Macedonia, Montenegro, Bosnia, Croatia, Slovenia, Austria, very nice. Romania, yes. Romania, Moldova. Very nice. How long? Five months. Okay. I live in the city where KTM is built. Austria. Yes. So now it is made in India. So now KTM Pan across the world is manufactured in India and exported. Super. So even Austria, okay. Austria gets KTM from India. I drive Harley Davidson, an old one. Okay, so thank you. I wish you a fucking nice trip. Thank you, man. Thank you. Enjoy. So चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत अपने आज भी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा वेदर रहे ना अगर पूरा दिन तो मज़ा आ जाए। अभी गर्मी नहीं लग रही, ह्यूमिडिटी नहीं है, हवा ठंडी है। अभी 10 मिनट पहले ना यहाँ पर ऐसा वेदर हो गया था जैसे मुझे लगा कि बारिश ना हो जाए, लेकिन अभी एकदम से सडनली धूप वाला वेदर हो चुका है। थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कितना अमेजिंग वेदर है और इस वेदर में बाइक चलाने में कितना मज़ा आने वाला है, बट वही धूप वाला सीन हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम थोड़े से शायद पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं थोड़ा सा। गूगल आंटी के हिसाब से वही मुझे दिखा रही है 2.25 घंटे, लेकिन अभी गूगल आंटी पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि गूगल आंटी दिखा रही है हमें 100 की स्पीड से, तुम्हारी स्पीड 100 की स्पीड होगी, लेकिन हमारी स्पीड 100 की होगी नहीं। तो हम लेके चल रहे हैं, हम 4 घंटे लेके चलेंगे। अभी टाइम हो चुका है 11:15, 3, 4, 5 बज जाएंगे आज पहुँचते मिटियोरा। यहाँ पर ना मैंने एक चीज़ नोट करा और जो बहुत अच्छा है कि लोग ना राइट साइड में ही चलते हैं ऑल द टाइम, और लेफ्ट साइड जो है वो हमेशा खाली छोड़ते हैं ओवरटेक करने के लिए। अगर आप राइट साइड में हो ना और अगर आप धीरे चल रहे हो और पीछे वाला आएगा, अगर तो वो एक्सट्रीम गुस्सा है आप पे, तब तो वो हॉर्न मारेगा, अदरवाइज़ वो आपके पीछे ना 2 मिनट चलता रहेगा। और मेरे साथ कई बार हुआ है, मेरे पीछे वो चलते रहते हैं और एकदम से मुझे ध्यान देते, ओ शिट गाड़ी है मेरे पीछे, तो मैं इधर कर लेता हूँ। और ये खाली मेरे साथ नहीं, मैंने कईयों को देखा है कि गाड़ी कहीं लेफ्ट में चल रही है, अगर वो पीछे से आ गया तो 2 मिनट वो पीछे चलता रहेगा, राइट साइड से नहीं निकालेगा। तो थोड़ा तो यहाँ पर डिसिप्लिन है इस चीज़ का, विच इज़ गुड।
ये मुझे अच्छा लगा चीज़ यहाँ पर देख के। काफ़ी लोगों से पूछा है कि बारिश वारिश का क्या सीन है, कुछ मानसून वानसून का, तो उन्होंने बोला है कि हाँ यार बारिश हो सकती है, अगले महीने तक बारिश का आसार होते हैं, तो आई होप बारिश ना मिले। बारिश मिलना एक ही चीज़ जो है मुझे नहीं चाहिए होती राइड पे, वो है बारिश, और बारिश मिल जाती है तो वो सारा काम ख़राब हो जाता है। देखो टर्की में मैंने एक दिन होटल में स्टे किया, उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी। उनको भी पता लगा कि यार इंडिया से बाइकर्स आए हुए हैं बाइक लेके अपनी, तो वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि यार बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दे सके हमें। तो अभी हमने थेसलोनिकी में स्टे किया था, वहाँ पर भी वो होटल वाले जो थे उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी सर्विसेज दी। वो भी इनफैक्ट खुश हो रहे थे कि यार इंडिया से बाइकर्स आए हुए हैं, और वहाँ पर एक दो लोग भी आए हुए थे तो वो हमें प्रॉपरली आइटनरी बताने लगे कि आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ ये जाओ वो जाओ। तो उनको हमने फिर अपना एक प्लान बताया कि हम यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा परफेक्ट, बहुत अच्छा आपने प्लान बनाया हुआ है, लेकिन इसमें और दो तीन चीज़ें ऐड करो। हमने कहा हमारे पास खाली कुछ टाइम है एक्सप्लोर करने के लिए, ऐसे तो मैं 6 महीने लगा दूँ मैं ग्रीस को एक्सप्लोर करना ना ख़त्म कर पाऊँ। वैसे तो 6 महीने नहीं लगेंगे ग्रीस को, लेकिन फिर भी जितना देख लो उतना कम है। दुनिया इतनी बड़ी है कि उसको आप कभी पूरा देख ही नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ इंडिया इतना बड़ा है कि पूरा इंडिया को ही कोई एक्सप्लोर नहीं कर सकता। तो कहने की बस यही बात है कि लोग जो है ना बहुत अभी खुश हो रहे हैं हमें देखकर, और बहुत अच्छा फील होता है जब वो शौक हो जाए इंडिया सो फार वेरी नाइस ऑल द बेस्ट, तो एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है। लो जी टोल आ गया, और कल हमने शायद 5 से 6 टोल पार करे थे, और हर टोल पे ऑन एन एवरेज हमने दिया था 1 यूरो, 90-95 रुपीज़ के अराउंड हमने हर टोल पे दिए थे ऑन एन एवरेज। कहीं पर 0.80 था, कहीं 1.2 था। अभी मैंने क्या किया, मैंने अपने कैश रख लिया, अब कार्ड वाला सीन नहीं रख रहा यार। कार्ड में यार फिर वो स्वाइप करते हैं टाइम बढ़ा लेते हैं, कहीं बार कार्ड चलता नहीं चलता, तो अभी मैंने कैश ही रख लिया है, यूरोज मेरे पास पड़े हैं। थैंक यू बाय। तो यार बारिश के आसार पड़ रहे हैं, और एक ही चीज़ जो नहीं चाहिए ना वो हो गई, तो फिर सारे ना बैंड बज जाती है, फिर ना गोप्रो सेटअप करना बड़ा भारी पड़ जाता है, और पूरे राइडिंग गियर सब कुछ मुझे बिल्कुल कवर करके रखना पड़ेगा। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है यार बारिश ना आए बस भगवान। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि बारिश के आसार हैं 101%। आगे लोगों ने भी बोला है कि ये सीज़न ऐसा है कि यहाँ पर बारिश होती रहती है। अभी जो है ना हम दोनों का ना ऑफलाइन मैप डाउनलोडेड है, और हम वैसे तो इंटरनेट इंडिया का लेके आए हुए हैं, और हमें यहाँ पर मिला है खाली 12 GB 1 महीने के लिए। वो 12 GB भी हमें लगता है अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाईफाई होटल्स में मरा अभी तक तो मिल रहा है, और आगे भी मिलेगा ही, क्योंकि हम वही देखते हैं होटल जहाँ पर वाईफाई अवेलेबल हो। और साथ में जो 12 GB हम लाए हैं वो इमरजेंसी के लिए है, कभी हम एक दूसरे को लोकेशन इधर उधर हो जाए तो भेज सके, या फिर कुछ भी हम जैसे सर्च करते हैं कोई लोकेशन तो हम वो उसके लिए 12 GB यूज़ करते हैं। साथ में हमें कॉलिंग जो है ना वो अनलिमिटेड मिली हुई है, हम रोज़ के 1.5 घंटा घर पर बात कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया मैं 1.5 घंटा कॉल कर सकता हूँ, मैं इनको कॉल कर सकता हूँ, इंडिया के किसी नंबर पे भी, लोकल किसी को भी यहीं पर ही। तो ये एक बहुत सही एयरटेल ने स्कीम निकाली हुई है, और इसके चार्जेस लगभग हम दे रहे हैं इस समय 4800 रुपीज़ पर मंथ हमारा आता है बिलिंग, प्लस हमारा जो पोस्ट पेड के मेरे 700-800 रुपये अलग से आता है, तो टोटल मैं 5500 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे कर रहा हूँ। तो लगभग हमने 22 से 25 हज़ार रुपये हमने खर्च करे हैं 4 महीने के लिए, और 25-50 हज़ार रुपये हमने खर्च करे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर कभी ट्रैवल करते हो ना तो फ़ोन का इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, या तो आप यहाँ से लोकल सिम भी ले सकते हो,
क्योंकि मैं जिस हिसाब से ट्रैवल करता हूँ ना, मुझे पता है मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं पहले होटल जाऊँ, होटल के बाद मैं पहले कोई शॉप ढूंढूँ जहाँ से मुझे सिम मिलेगी, वहाँ से मुझे एक घंटा लगेगा ये सारा काम कराने में, वो मुझसे ना होगा नहीं। इसीलिए मैं एयरटेल की अपनी सिम एक्टिवेट करवा के लाया घर से ही, और यहाँ पर वाईफाई के थ्रू या फिर ऑफलाइन मैप हम लोगों ने डाउनलोड कर रखा है तो उसके थ्रू हम चल रहे हैं। ओलंपस प्लाजा, तो यहाँ पर है 2 यूरो का। ओ भाई साहब, लूटी जाएंगे भाई। 95 ओके सर, एक्टिव 100 ठीक है ओके। इट्स पेट्रोल ना? यस। ये 5,000 रुपये। So right now we are going to Metsovo. Metsovo, yes. Very good. Allah, today rain. It's going to rain? Yes. Uh-huh. In other, Yanina, Konitsa, Kataki. How is Meteora? Is it nice? Very nice. Meteora Kalabaka. No? No. क्या हो गया सर आपके साथ? नहीं, वो इन्होंने बंद कर रखे हैं। हाँ। अभी तो काम दिया इससे। हाँ, दिया। You can take cash. 20, I, how much? 19. 2000, 1000, 100 रुपये। 100 रुपये है ये, 1000 रुपये है। अभी मैं बाइक चला रहा था ना तो मैंने पॉकेट में रखा हुआ था 5 यूरो का, तो मैंने कहा 5 यूरो क्या हुआ, 50 रुपये ही तो पड़े हैं जेब में। फिर एक सेकंड ध्यान आया, भाई क्या बोल रहा है, 500 रुपये का नोट है जिसको मैं 50 रुपये बोल रहा हूँ। तो ऐसा हो जाता है यहाँ पर कई बार। सर, जब मैंने कल पेट्रोल भरवाया था ना तो मुझे लगा था कि अभी तक का सबसे महंगा पेट्रोल चार्ली ने पिया, तब था 1.9 कुछ यूरोस का। तब मुझे लगा यार ठीक है, 170-180 रुपये लीटर डल रहा है। अभी जो हमने डलवाया, ये डलवाया हमने 2.3 यूरोस का, भाई साहब 200 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा दिया आज बाइक में। ये हद हो गई, हद हो गया, 200 रुपये लीटर। ये हंसी है ना, हंसी के पीछे गम है यार। 200 रुपये लीटर लगता है ना यहाँ पर, 100 रुपये लीटर जब अपने वहाँ भरवाते, 110 रुपये, 120 रुपये हो गया। यहाँ पर 200-200 रुपये लीटर भरवाना पड़ रहा है पेट्रोल। और ये अभी क्या है, दो तरीके के होते हैं। एक होता है 95, जो यूजुअली आप देखा होगा बहुत सारे लोग 95 ही भरवाते हैं तो, और दूसरा होता है थोड़ा सा बेटर और एक्शन 100। वो 95 इनके पास था नहीं तो अभी हमने 100 भरवाया जिसके 2.3 यूरोज आ गए। बाकी दूसरे वाला भी 2 यूरो का तो था ही था। तो बस अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया है, अब यहाँ से निकलते हैं और आगे अपनी राइड दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। कई बार ऐसा होता ना कि एक आप डिफरेंट जोन में होते हो और बस बाइक चला रहे होते हो और आपका ध्यान रोड पे होता है, और एकदम सडन मेरा ध्यान ना चारों तरफ गया तो मैंने देखा, ओ भाई साहब, ये तो मैं पूरे पहाड़ों में घिरा हुआ है जहाँ मैं चल रहा हूँ। दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं, दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं, और इतनी ग्रीन है, इतना ग्रीन है ना, देख के इतना अच्छा लग रहा था। कई बार क्या होता है, रोड पे पूरा फोकस होता है, बस रोड पे देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, आगे गाड़ी पे फोकस है। लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान दिया ऊपर, अब बाहर निकलूंगा ना तो आपको दिखाऊंगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। टनल्स बहुत सारी है ग्रीस में, जब हम कल भी आए थे तो ऐसी छोटी छोटी 200-300 मीटर्स की टनल है। पूरे के पूरे उधर पूरे के पूरे पहाड़ पहाड़ पहाड़, और पूरी की पूरी ग्रीन पहाड़ है। ये भी पहाड़ काट के बनाया होगा, पहले पूरा वाइट इसी टाइप का पत्थर होगा। इस वाली रोड पे भी छोटा सा विलेज, एक छोटा सा क्यूट सा विलेज, अभी से विलेज बोलूँगा या फिर एक सोसाइटी बोलूँ समझ नहीं आ रहा मुझे, पर एक क्यूट सा सोसाइटी है। और ये देखो ऐसे लोग लेके जाते हैं गाड़ी के पीछे अपना एक 3-व्हीलर बांध दिया है, उसके ऊपर 2-व्हीलर रखा हुआ है।
बहुत सारे ऐसे दिख रहे हैं, अब तो मेरे लिए कॉमन हो गया है, इतना दिखता है ना तो मैं व्लॉग में कई बार दिखाता भी नहीं। ये तो शूट करते करते निकला तो मैंने कहा चलो आपको बता देता हूँ। अभी तो ये पहली कंट्री के ही ऐसे एरिया देख रहा हूँ मैं, आगे तो कितनी सारी कंट्रीज देखनी है। 1.10 यूरो, एक यूरो ही कर देना चाहिए यार, 1.10 का बढ़ाना। और मेरे पास सिक्के भी ख़त्म हो गए हैं मेरे ख्याल से। हेलो, तो ये हमारी दीदी ने हमें वापस करे हैं 2, 3 यूरो, 3 यूरो और 3, 3.90 और 3.90 में 5। हाँ ठीक है, बाइक चलाते चलाते ना इतनी ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी और अभी हम पेट्रोल पंप एक जगह पर रुके हैं और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से जाके एक वेजिटेरियन आइटम मिल चुकी है, फेटा चीज़ ओलिव टोमेटोस पेपर, और ये है 3.5 यूरो का, मतलब लगभग 350 रुपये का ये वाला, तो ये वाला खाऊंगा। ये तो नॉन वेजिटेरियन है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है इनका प्राइस। सपना जो खाना है वो आ चुका है, तो आज का लंच अपन लोग यही करने वाले हैं। All the way on the road. No, the borders are closed at the moment. We flew our bikes from India to Turkey, Istanbul, and now started the journey. To Albania? Yes. Then we covered. You go to France or something like that? No. So that's the map. All the countries. All the countries. Yeah. 5 months. Ah, you've been to Israel? No, we will go to. Yes, we have plans to go. And this is our plan. This is our plan. Okay. So you've been to all these places? Yes, in India, yes. Yes. Very nice. For 5 months in India. Okay. And then I come with my parents. They were born in Mumbai. I come with them for 1 month, traveling in Mumbai area. Oh, very nice. Yes. So been to Ladakh or Ladakh, Manali? Yes, also. Ladakh, but very, because it was very cold. Yeah. I was in the winter time. थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए हैं, यू नो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं और उनको देख के हमारी एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनको सबको हमने प्लान बताया और सबको अच्छा लग रहा है कि यार इंडिया से आए हैं और इंडिया से यूरोप और मिडिल ईस्ट कवर करने वाले और लगभग 4 से 5 महीने हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये होता है बहुत प्राउड मूवमेंट जब लोग बोलते हैं ना अच्छा इंडिया से आए हो, जब ऐसा वर्ड सुनते हैं ना इंडिया से आए, तो वो बहुत प्राउड मूवमेंट लगता है। टनल पे टनल लिया जा रहे हैं भाई, पूरे के पूरे हम जम्मू कश्मीर में हम घुस रहे हैं मुझे लग रहा है। जम्मू से कश्मीर जाते हैं ना तो ऐसे टनल आते हैं, बनिहाल टनल, बनिहाल काजीकुंड टनल। सही, तो मुझे अब लग रही है ठंड, सही बता रहा हूँ ठंड लगनी शुरू हो चुकी है। पता नहीं कितनी हाइट हमने गेन कर ली है यार, मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं है। मौसम आप देख ही सकते हो कैसे मौसम बदल चुका है पूरा, बारिश 101% चांसेस है बारिश के होगी या हो रही होगी उस साइड पे जहाँ हम जा रहे हैं। आई विश बारिश ना हो, क्योंकि आज हम थोड़ा सा घूमना चाहते हैं, थोड़ा मार्केट देखना चाहते हैं, और अगर बारिश हो गई ना तो फिर वो मार्केट में वो फन नहीं रहेगा, सब अंदर अंदर हो जाएंगे। थोड़ा सा होता है ना, मार्केट देखना चाहता हूँ मैं, थोड़ी शॉप्स लगा रखी होती हैं, कुछ भी होगा तो मुझे तो पता भी नहीं है क्या। थैंक यू बाय। यार कितने सही तरीके से ग्रीट करते हैं ना, जैसे आप इनके पास पहुंचोगे हाय गुड मॉर्निंग टेक केयर बाय। तो ये चीज़ दिन भर हर जो भी आएगा टोल के ऊपर जो भी रुकेगा हाय हेलो एक दूसरे को ग्रीट करना, ये बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। बस ये टनल आना ख़त्म नहीं हो रहे,
और मुझे लगता है कि डेफिनेटली यार मित्सुवो सुंदर तो होगा यार, क्योंकि ये पहाड़ों के अंदर ही मेरे को पूरा पूरा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ों में ही है। तो बिल्कुल पहाड़ों में तो हम आ ही गए हैं और ठंड भी लगनी शुरू हो चुकी है अभी तो, लेकिन ये ब्लॉग पूरा मुझे लग रहा है कि टनल में ही जाएगा। एक टनल ख़त्म है, दूसरी टनल स्टार्ट है, एक टनल ख़त्म है, दूसरी टनल स्टार्ट है। फाइनल इतनी देर के बाद एक टर्न आया और हाँ ठीक है, तो सर ने गलत रास्ता ले लिया था, तो मेरा भी मैप लगा हुआ है, तो इसलिए मैप लगाना ज़रूरी हो जाता है। अगर एक गलती से आगे पीछे कहीं निकल जाए तो दूसरा बता सके। अरे यार बड़ी देर के बाद एक टर्न आया था, मुझे लगा अब तो कम से कम टनल नहीं होगी, थक गया हूँ भाई टनल देख देख के, कुछ तो व्यू देखने दो यार। ग्रीस वालों क्या बना दिए तुमने, पूरा का पूरा पहाड़ ही खोद मारा। मैंने ना एक ना YouTube वीडियो देखा था, जब मैं शायद मित्सुवो के बारे में देख रहा था ना, तो मुझे याद नहीं मैंने कहाँ देखा था, यही रोड थी 101% यही रोड थी, मुझे याद आ रहा है। यहाँ पर उस बाइकर के पीछे ना कुत्ता पड़ गया था और बाइकर ने जो भगाई ना बाइक, वो देख के मेरी इतनी हंसी आई थी ना ज़ोर से। तो ये रोड देखते मुझे याद आ गया कि ये तो वही रोड है। और अभी थोड़े से एक दो मेरे को वो भी दिखे हैं, स्ट्रीट डॉग्स भी दिखे हैं, बस हम पहुँच गए, रेड लाइन आ गया। तो यही है मित्सुवो, तो यहीं पर ही हमने कहीं पर आज का ठिकाना ले रखा है। ओहो देख रहे हो रोड कैसी पूरी बना रखी है यहाँ पर, मैंने कई वीडियोज ऐसा देखी है यूरोपियन मार्केट्स में ऐसी होती है, मॉल रोड समझो, ये मॉल रोड है। अब होटल देखना, होटल हमारा होटल हमने ऑलरेडी बुक कर दिया था, सुबह ही बुक किया था हमने। तो लगभग ना 2 घंटे हो चुके हैं हमें इस जगह पर आए हुए, और हम बिल्कुल रिलैक्स कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, हम वेट कर रहे थे बिल्कुल धूप हट जाए, थोड़ा छांव वाला सीन हो जाना तो मज़ा आएगा, थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करने जाएंगे, इस जगह को देखेंगे, क्योंकि इस जगह के बारे में ना काफ़ी मतलब पढ़ भी रहा था, यूट्यूब पर भी देख रहा था वीडियोज़ और गूगल पर भी पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी जगह है रिलैक्स करने के लिए। और यहाँ पर ना अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ खड़ी हुई है, निसान की खड़ी है, टोयोटा की खड़ी है, पर ऐसी गाड़ियाँ मैंने कभी देखी नहीं है। और ये अपने शिमला हिमाचल जैसा होता है ना, मॉल रोड होता है, तो ये उसी टाइप का ही मुझे पीछे लग रहा था, लेकिन अंदर अंदर हम जैसे ही आया ना तो रियलाइज़ हुआ कि मॉल रोड एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ये पूरी मार्केट या पूरा रेजिडेंशियल एरिया ना सारा ऐसे ही बना हुआ है। अपनी बाइक जो है ना वो यहीं पर ही पार्कड है दोनों, और ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमने यहाँ पर अपना रूम ले लिया, और बहुत रीजनेबल प्राइस में, बहुत अच्छे प्राइस में हमें यहाँ पर रूम मिल गया था, हमने सुबह ही बुक कर लिया था। तो एक बार आपको अंदर लेके चलता हूँ, रूम का भी टूर दे देता हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा चलेंगे एक्सप्लोर करने और देखते हैं कि हम आज क्या देख सकते हैं। तो चलो आपको सबसे पहले ना अपना रूम दिखा देता हूँ। तो ये वो रूम है जो हमें मिला है, और ये वाला जो रूम है ये मैंने ले लिया, और ये वाला जो रूम है ये दीपक सर ने ले लिया है। मतलब एक ही रूम है, रात को यहाँ सो जाएंगे, मैं यहाँ पर सो जाऊँगा, सारा हम दोनों ने अपना अपना सामान बिखार दिया,
बहुत अच्छा है। यहाँ पर वॉशरूम भी है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, कॉफ़ी मशीन भी है, जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले आते यहाँ पर कॉफ़ी भी पी है, और सिंक भी है, प्लेट्स भी हैं, बर्तन भी हैं सारे, एंड नीट एंड क्लीन। यहाँ पर ये वॉशरूम भी है, तो ये इतना बड़ा हमें बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गया। यूजुअली यूरोप में इतने का मिलता नहीं है। कितने का मिला है तो एक बार सर कितने का लिया? 60 यूरो का है। तो यहाँ आने का ना जो मेन रीज़न है ना, वो ये रीज़न है कि यहाँ पर है एकदम बहुत ज़्यादा शांति, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, छोटी छोटी गली है। मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, काफ़ी ट्रैवलर्स इस जगह पे ज़रूर आते हैं और इस जगह को रिकमेंड करते हैं। तो अगर मुझे पीस के लिए आना है ना और नीचे साउथ साइड की गर्मी से बचने के लिए आना है ना, तो मुझे लगता है कि यार मिट्सोवो बहुत अमेजिंग जगह है। मैं यहाँ पर दो दिन आराम से रह सकता हूँ और बिना कैमरे के रह सकता हूँ, कुछ भी ना करूँ, बस बैठा रहूंगा, आराम से रिलैक्स करूंगा, चिल करूंगा। What's your name? Christos. So, Christos, can you please tell me what is this? Sticks with cheese, gouda here. I have sweet here. I have with apple pie. Yes, okay. Here with chocolate, croissant with chocolate, biscuit with chocolate. This is chocolate? Chocolate, yes. And this one? Also chocolate. Here is our sweets. This is your sweet? Yes, but mainly we have salty pies, like... chicken pie. Okay, this is chicken pie. Chicken pie, yes. Cheese pie with feta cheese. Here is with mushroom. Can you please tell me what is the price of this one? It's per kilo. Only here is per kilo. Okay. It's 10 euro per kilo. And yes. these? The same price. Okay. Vegetable pie, leek pie, but in the morning. Now, almost we are closed. Okay, you are almost at closing yes, time. Yes. So, okay. So, thank you so much thank for giving you, us this information. Sir, ये क्या लिया आप, एक मिनट दिखा दो मेरे को. Bread लिया, bread. तो सर ने यहाँ पर क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्रेड जरूर क्लासिक ब्रेड इस व्हाइट ब्रेड वी प्रोड्यूस आल्सो ट्रेडिशनल ब्रेड विथ कॉर्न सम इस ब्राउन ब्रेड हाफ ब्राउन हाफ व्हाइट दैट्स ऑल एंड हाउ मच दिस ब्रेड कॉस्ट यूरो एंड 12 एंड यूरो तो ये मुझे एक्चुअली चाहिए होता है, इनफैक्ट हमें चाहिए होता है क्योंकि मॉर्निंग में या फिर कभी लंच टाइम पे हमें कुछ ब्रेड व्रेड की जरूरत पड़े तो ये सर ने एक अच्छी चीज ले लिया। और कुछ भी लिया? बस थैंक यू। चलो बिल्ली माई हट जाओ। तो ये है मित्सोवो के माउंटेन्स की पीसफुल लाइफ। लोग आराम से रिलैक्स करते हैं, खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं और रात को अपने अपने घर चले जाते हैं। तो यही मुझे शांति देखनी थी अपने हिमाचल उत्तराखंड के। तो बहुत ऐसे पहाड़ देख लिए, ऐसे बहुत सारे विलेजेस देख लिए, लेकिन आज यूरोप के भी ऐसे देखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, बहुत ज़्यादा पीसफुल है यहाँ पर, कोई हॉन्किंग नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, लोग बस हंस रहे हैं, खा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, बस यही चीज़ें सब चल रही है यहाँ पर। देखो यहाँ पर मित्सोवो का सब कुछ यहाँ पर मिलता है, शूज़ के अंदर ही मित्सोवो है। कहते हैं कि यहाँ पर बियर्स बहुत होते हैं और पहले के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, अभी भी होते होंगे क्योंकि पूरा फॉरेस्ट एरिया या पूरे पहाड़ों में, मतलब पूरा जंगल एरिया से घिरा हुआ है, तो ये इसलिए है ये मित्सोवो अभी जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। कहते हैं कि बहुत साल पहले मित्सोवो ऐसे हुआ करता था जो अभी आपको दिख रहा है, ये स्टेयर दिख रही है अभी भी ऐसे ही है, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, काफ़ी मतलब अब नए आर्किटेक्चर के हिसाब से बन गया है, लेकिन कहते हैं पहले ऐसे हुआ करता था, ये भी शायद ऐसा ही हुआ करता था, मुझे आइडिया नहीं है। तो ये सारे जितने भी है मित्सोवो से हिस्ट्री से रिलेटेड मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे यहाँ पर क्राउड भी बढ़ रहा है और वैसे वैसे लाइटिंग जो हो रही है, तो इस जगह की खूबसूरती और निखर के आ रही है। शॉपिंग वॉपिंग का कोई प्लान ऐसा सच है नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस और अपनी जगह के प्राइस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो हमारे पास यहाँ पर 100 रुपये में मिल जाएगी, यही चीज़ यहाँ पर 500-600 रुपये की मिल रही है। सो नो पॉइंट ऑफ बाइंग। साथ में यहाँ पर कुछ खरीदारी कर दी अभी सर ने, मैं तो ऐसे इधर उधर घूम रहा था, तो सर ने क्योंकि उनके हाथ में थोड़ा कुकिंग डिपार्टमेंट, तो अभी रूम पे जाएंगे तो सर कह रहे हैं आज तक और प्यारी सी चीज़ बना के खिलाता हूँ। तो देखते हैं आज क्या बनाने वाले हैं, मुझे पता है वही चावल और पुलाव वुलाव बनाने वाले हैं। तो थोड़ा सा इंग्रेडिएंट ले लिए हैं, अब बस यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ रूम पे और
मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, बहुत रिलैक्स मिल गया। तो पिछले काफी दिनों से जो माइंड पे एकदम प्रेशर था ना, वो सारा रिलीज हो गया यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स करके। आ चुका हूँ वापस आज के अपने ठिकाने पे, और यहाँ पर भी देखना कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी सामने आंखों से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी मैं कैमरे में भी देख रहा हूँ ना, तो मुझे कैमरे में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। घर के काम भी यहाँ करने बहुत जरूरी होते हैं, अगर ये काम यहाँ नहीं करेंगे तो फिर जितने पैसे लेके आए घूमने के लिए सारे घूमने में खत्म हो जाएंगे, खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसके लिए आज सर ने मेरी ड्यूटी दे दी है मुझे रुलाने की, मतलब प्याज काटने की। सर काफी लोग ये मुझसे बोल रहे थे कि जब जैसे ऐसे रहते हैं तो अलाउड नहीं होता कुकिंग करना, तो कुछ बताना अलाउड है? हम अपार्टमेंट में बुक करा हमने जिसके अंदर कुकिंग अलाउड है, अपार्टमेंट में अलाउड होता है। हाँ जी। सर आपको एक और चीज बताऊं, मेरे काफी 3-4 क्लोज फ्रेंड्स हैं, हमने ना पिछले वीडियो में ये चीज दिखाई थी ना, तो इस प्रोडक्ट की सेल बढ़ गई है, पता है 3-4 लोगों ने ना ये ऑर्डर कर दिया है अपने नेक्स्ट ट्रैवल के लिए। तो अगर आपको भी ऑर्डर करना है ना, तो ये प्रोडक्ट अमेजोन पे अवेलेबल है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बस चाहिए होती है और आप अपना खाना इसमें बना सकते हो, रेडी टू कुक ले आओ चाहे कुछ भी होगा आप इसमें बना सकते हो आराम से। सर ये तो ये जो दो ये कैरेट लेके आए हो और दो प्याज लेके आए हो, कितने के लाए हो ये? दो कैरेट, दो प्याज, दो टमाटर और 4 अंडे, 2.8 यूरो। तो ये कल भी हमने ये वाले चावल खाए थे, कल हमने बहुत कम क्वांटिटी खाई थी, और ना इसके अंदर ना कोई सब्जी वेजिटेबल नहीं डाले थे, खाली हमने चावल नॉर्मल पड़े थे, क्योंकि कल रात को जब हम होटल में पहुंचे थे ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो हमारे पास कोई वेजिटेबल या कुछ भी नहीं था। लेकिन आज सर ने इसमें मैंने दिखाया ना, कैरेट डाले, प्याज डाले और क्या क्या डाले। ये नॉर्मल पुलाव नहीं है, ये साउथ इंडियन स्टाइल पुलाव है, अंकित खाएगा तो बताएगा आपको, इसमें बहुत कुछ डाला हुआ है। इसमें आज हमने प्याज, घी, गाजर और मूंगफली, मक्खन, बहुत कुछ डाला है। ये तो अब अंकित ही खा के बता सकता है, क्योंकि देखो यार सर ये 3 लोगों का खाना क्यों बनाया या 4 लोगों का क्या बनाया, पहले ये बताओ। अंकित का पेट भरता नहीं है, उसकी तसल्ली नहीं होती, पेट तो भर जाता तसल्ली नहीं होती है, तसल्ली नहीं होती एक्चुअली बता रहा हूँ, पेट भर जाता है लेकिन ना मन नहीं भरता। तो 4 दिन से ऑडियंस ये भी बोल रहे कि ये क्या चावल पुलाव खिला रहे हो, कुछ और भी बनाओ, कभी खीर बनाओ, कभी जलेबी बनाओ, कुछ डिफरेंट बनाओ। देखो भाई जलेबी तो बड़ी छोटी सी चीज है, मुझे इमरती बनानी आती है, मगर यहाँ आपको पता है कढ़ाई घी ये वो नहीं है। तो ये चावल के अलावा बताओ। अंकित को खीर जरूर खाने को मिलेगी, अंकित को सांभर मिलेगा, अभी तो शुरुआत हुई है ट्रिप की। अभी मेरे को चावल से मैं जिंदा हूँ, और अभी देखते हैं कितने दिन, अभी कुछ डिफरेंट आएगा तो कुछ डिफरेंट भी दिखाएंगे आपको। बाकी एक बार टेस्ट चम्मच है इसमें, चम्मच खाऊंगा। कल और आज में ना जमीन और आसमान का फर्क है। कल मैंने खाए थे, थोड़े से खाए थे क्योंकि हमने जूस वूस बहुत पी लिया था, लेकिन कल और आज में जमीन और आसमान का फर्क है। मैं कह रहा था ना 3 लोगों को बनाया, ये भाई 2 लोगों का ही है, ये 2 लोगों में ही बटेगा, एक नंबर टेस्ट है। सो आज का जो व्लॉग है ना इतना ही रखते हैं, हमारा यही प्लान था कि हमें मिडसोवा आना है, मिडसोवा की पीसफुल जो मार्केट है वो हमें देखनी है, और ये जो वेदर है ना ठंडा ठंडा ये हमें इंजॉय करना है। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड कर रहा हूँ। किसी भी रीजन से आज का वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसी के साथ अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ।